हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 17 सी अप टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड ए आई व्हेन प्रोड्यूस टू मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इन पॉइंट डी इफ एंगल बी ए सी इज 66 डिग्री, दिस एंगल इज 66 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज 80 डिग्री, वी हैव टू कैलकुलेट थ्री अदर एंगल्स। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज इन सेंटर एंड सर्कम सर्कल। सपोज एक ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर हमने कंसीडर किया है, इसका इन सर्कल होगा जो इसके अंदर तीनों साइड्स को टच करके ड्रॉ किया जाएगा और उस सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सपोज ये मैंने एंगल पी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, देन एंगल क्यू का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, एंगल आर का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगा एंड दिस विल बी द सेंटर ऑफ इन सर्कल। और अगर हम इसको सेंटर लेट करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसकी तीनों साइड्स को टच करे। अब देखिए मैंने तो अंदाजे से एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं इसलिए बहुत एक्यूरेटली इन सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाया है। दिस इज द इन सेंटर इन सर्कल एंड दिस इज इन सेंटर। अब देखिए सेकंड देखते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। अगर अब हमें इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा। सपोज फर्स्ट साइड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, दिस इज सेकेंड साइड पी आर का ड्रॉ किया है एंड थर्ड साइड क्यू आर का, देन दिस विल बी द सर्कम सर्कल। और अगर अब हम इसको सेंटर लेट करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस लेंगे डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड वन वर्टेक्स, दिस विल बी द सर्कम सर्कल। तो ध्यान रखिएगा कि इन सेंटर एंड सर्कम सर्कल्स आर डिफरेंट पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में इन सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें गिवन है आई इज द इन सेंटर, मीन्स दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए ए से आई को मीट करवाते हुए ये लाइन ड्रॉ की गई है, मीन्स दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और होल एंगल हमें गिवन है 66 डिग्री, मीन्स इसका हाफ हो जाएगा 33 डिग्री और नीचे वाला हाफ भी 33 डिग्री होगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे कैलकुलेट करवाया गया है एंगल डीबीसी, डीबीसी मींस ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए एंगल डीबीसी को अगर हम देखें तो ये कैसे सबटेंड हुआ है, ये सर्कमफेरेंस पर सबटेंड हुआ है। जब इस आर्क को डीसी आर्क को मीट करवाया गया है सर्कमफेरेंस पर, तो अगर इसी आर्क डीसी को सर्कमफेरेंस के किसी और पॉइंट पर मीट करवाया गया होगा तो जितना एंगल सबटेंड हुआ होगा वही एंगल यहां पर भी सबटेंड होगा। अब देखिए इसी को सबटेंड किया गया, यहां पर भी इन दोनों पॉइंट्स को ही मीट करवाया गया है। ये एम की फिगर दिखाई देती है हमें एंड दिस एंगल इज 33 डिग्री, मीन्स दिस इज ऑल्सो 33 डिग्री, एंगल बाय एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट डीसी। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, अभी हम इसको पूरा शो करेंगे। सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आईबीसी, आईबीसी चलिए ड्रॉ करते हैं। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आई इज द इन सेंटर, अगर आई इन सेंटर है मींस ये एंगल ये बाइसेक्टर्स एंगल के बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर बी आई को मैंने मीट करवाया दिस विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड
एंगल बी इज 80 डिग्री देन दिस विल बी 40 डिग्री. थर्ड पार्ट एंगल बी आई सी. बी आई सी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए आई सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, तो अगर एंगल सी का मेजरमेंट हमें नोन हो जाए तो हम इस हाफ एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल इन ट्राइंगल बी आई सी सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री, हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एंगल सी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 66 डिग्री, एंगल बी इज 80 डिग्री एंड द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री. इसकी हेल्प से हम एंगल सी कैलकुलेट करेंगे और एंगल सी का हाफ करके हम एंगल्स आई सी बी कैलकुलेट करेंगे. और फिर अगेन हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला रूल अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल बी आई सी. ध्यान रखिएगा आई इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल नॉट द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल. अगर आपने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कहीं से आर्क को देखने की कोशिश की या ये देखने की कोशिश की, एक पॉइंट है यहां पर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूं. हो सकता है कि आप ये देखें कि भाई ये वाला जो आर्क है बी सी, इस आर्क को सेंटर पर मीट करवाया है तो ये एंगल बना है, और इसी आर्क को जब सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया है तो ये 66 डिग्री का आर्क एंगल बना है. मींस एंगल बी आई सी विल बी द डबल ऑफ 66 डिग्री, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज आई इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कल सी ए बी डी, आई इज द इन सेंटर. ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप शो करते हैं जो हमने डिस्कस किया है. एंगल डी ए सी सिंस आई इज इन सेंटर. नाउ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. डी बी सी इज इक्वल टू डी ए सी एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट डी सी इज इक्वल टू 33 डिग्री. एंगल आई बी सी इज द हाफ ऑफ एंगल ए बी सी सिंस आई इज द इन सेंटर. Half of 80, that is 40 degree. In third part, we have to calculate angle BIC. First of all, we are considering the triangle ABC. Angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. Angle A is 66 degree. Angle B 80 degree. And angle C we have to calculate. Angle C is 34 degree. Means angle ICB will be 17 degree. Half of whole angle CI is the angle bisector. Now in triangle BIC, angle CBI plus angle B's IC plus angle ICB is equal to 180 degree and angle CBI, CBI is 40, half of angle B. Angle BIC we have to calculate and angle ICB humne abhi find out kiya, that is 17 degree. Means angle BIC will be 123 degree. Question number 10th. In the given figure AB is equal to AD is equal to DC is equal to PB. Four sides हमें equal given है. AB, AD, DC and PB. BC के बारे में कुछ नहीं given है. Angle DBC, DBC. is x degree
डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंगल ए बी डी मीन्स ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। चलिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अगर इसमें हम कर दें। अब देखिए आर्क डीसी को सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है एट द पॉइंट बी एंड देन दिस एंगल इज फॉर्म्ड एक्स, और इसी आर्क डीसी को मीट करवाया गया है पॉइंट ए पर, मींस ये एंगल भी एक्स होगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल एडीसी को कंसीडर करें तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो अगर ये एंगल एक्स है इट मींस ये वाला एंगल भी एक्स होगा। और अब फिर से हम सर्कल पर पहुंचे तो ये एंगल कैसे सबटेंड हुआ है, ये एंगल सबटेंड हुआ है आर्क ए बी को जब हमने सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया है, और इसी आर्क ए डी को मीट कर सर्कमफेरेंस पर मीट करवाकर बना है ये एंगल ए बी डी, मीन्स अगर ये एक्स डिग्री का है तो ये भी एक्स डिग्री का होगा। अब जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसको हम नोट डाउन कर देते हैं फॉर द पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हमने देखा आर्क डीसी ने सबटेंड किया है एंगल डीबीसी और इसी आर्क ने सबटेंड किया है एंगल डीएसी। इन ट्राइंगल एडीसी सिंस एडी इज इक्वल टू डीसी देन एंगल DAC will be equal to angle ACD means this is X and now consider the arc AD angle ACD angle AD ABD जो हमें find out करना है will be equal to angle ACD and it is equal to X angle of same segment AD. फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड, नाउ कम टू पार्ट सेकेंड। एंगल ए पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए पी बी दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखिए ट्राइंगल ए पी बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज पी बी इज इक्वल टू ए बी मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंड ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा, this angle is x, this is x, means this angle will be 180 minus 2x. Now angle P plus angle A plus 180 minus 2x is equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle is 180 degree. इसकी हेल्प से हम एंगल ए पी बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। एंगल पी बी ए will be 180 minus 2x, this angle. Now in triangle APB, angle APB plus angle PAB plus angle PBA will be 180 degree. Put the values, angle APB एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, इसको हम ए पी बी से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड एंगल पी बी ए 180 माइनस 2x। सिंस पी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पी बी इज इक्वल टू ए बी देयरफोर एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू एंगल PAB. Now double of angle APB is equal to 180 minus 180 minus 2x means angle APB is equal to x degree. This is part second. Hence or otherwise prove that AP is parallel to DB. AP. This is parallel to DB. ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए टू साइड्स कब, टू लाइंस कब पैरेलल होती है, जब उनके अल्टरनेट एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो।
अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, सपोज दिस इज एपी एंड दिस इज डीबी, और ये पीसी ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है। एंगल एपीबी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा डीबीसी, और एंगल एपीबी भी एक्स डिग्री है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, और एंगल डीबीसी क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज आल्सो एक्स डिग्री। बोथ आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मींस एपी इज पैरेलल टू डीबी। एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी, बोथ आर एक्स डिग्री, देयरफोर एपी विल बी पैरेलल टू डीबी सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11th, इन द गिवन फिगर एबीसी एबीसी एईक्यू सीईपी आर द स्ट्रेट लाइंस, शो दैट एंगल एपीई एंड एंगल सीक्यूई आर सप्लीमेंट्री। एपीई मींस दिस एंगल एंड सीक्यूई दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री, हमें प्रूव करना है ये सप्लीमेंट्री है, मींस इनका सम वनिटी प्रूव करना है। सपोज एंगल एपीई इज एक्स डिग्री एंड एंगल सीक्यूई इज वाई डिग्री, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, मीट ई एंड बी। देखिए फर्स्ट सर्कल को आप देखिए, लुक एट द फर्स्ट सर्कल, ए पी ई बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके फोर वर्टिसेस सेम सर्कल पर लाए कर रहे हैं, एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मींस एंगल पी एंड एंगल बी विल बी सप्लीमेंट्री। If angle P is X, then angle B will be 180 minus X. Now, ABC is a straight line. Means ये पूरा straight angle 180 degree का होगा. It means if angle ABE is 180 minus X, then angle EBC will be X. And now look at the second circle. BCQE is cyclic quadrilateral, means its opposite angles will be supplementary. Then X plus Y is equal to 180 degree proved. तो अब जो हमने डिस्कस किया है उसको हम शो करते हैं स्टेप बाय स्टेप. Let angle APE is equal to X degree and angle CQE is equal to Y degree. Then we have to prove X plus Y 180. Now meet EB. APEB is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle APE plus angle ABE will be 180 degree, means angle ABE will be 180 minus X. Since ABC is a straight line, angle ABE plus angle CBE will be 180 degree, means angle CBE will be 180 minus angle ABE, that is 180 minus X. Means angle CBE is X degree. Now, since second QCBE is a cyclic quadrilateral, then angle CQE plus angle CBE will be 180 degree. Angle CQE is Y and angle CBE is X. Abhi humne find out kiya hai. Look, means X plus Y is equal to 180 degree proved. Question number 12th. In the given figure, AB is the diameter
ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर। एंड एंगल ए डी सी इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 32 डिग्री, फाइंड द एंगल बी ओ सी। बी ओ सी मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, एंगल ए डी सी 32 डिग्री गिवन है। ए डी सी एंगल सबटेंड हुआ है आर्क सी ए को जब हमने सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया है। अब देखिए, इसी आर्क सी ए को मीट करवाया गया है एट द सेंटर। सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। मीन्स अगर ये 32 डिग्री का है तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 32 डिग्री, मीन्स 64 डिग्री। एंड ए बी इज डायमीटर, मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देन द होल एंगल विल बी 180 डिग्री। अब अगर ये 64 डिग्री है तो ये एंगल जो हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज 180 माइनस 64, मीन्स 116 डिग्री। अब जो हमने डिस्कस किया है उसको हम नोट डाउन कर देते हैं। एंगल सी ओ ए विल बी डबल ऑफ एंगल ए डी सी। और इसमें हमने आर्क कंसीडर किया है सी ए, मीन्स एंगल सी ओ ए विल बी डबल ऑफ 32 डिग्री, 64 डिग्री। नाउ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए विल बी 180 डिग्री, देन एंगल बी ओ सी विल बी 180 माइनस एंगल सी ओ ए, एंड एंगल सी ओ ए इज 64। मीन्स एंगल बी ओ सी 116 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13th, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल पी क्यू आर 135 डिग्री। एंगल पी क्यू आर दिस इज 135 डिग्री। साइड एस पी एंड आर क्यू प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट ए। एस पी, एस पी मीन्स दिस साइड एस पी इज प्रोड्यूस्ड एंड आर क्यू produced to meet point A. This is point A. Whereas side PQ and S are produced to meet point B. PQ, PQ side B produce की गई है and SR. This is point B. Angle A ratio angle B is 2:1. Means if angle A is equal to 2x, then angle B is equal to x. अगर angle A 2x है तो angle B x degree का होगा. Find angles A and B. और ये दोनों angles की value हमें calculate करनी है. चलिए. अब देखिए, PQRS is a cyclic quadrilateral, means its opposite angles will be supplementary. अगर ये 135 डिग्री का है तो ये होगा 45, 180 माइनस 135. और अब हम देखें ट्राइंगल ए एस आर को, इन ट्राइंगल ए एस आर एंगल ए इज 2x एंड एंगल एस इज 45 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंगल्स we can find the value of angle R. And similarly, if we consider the triangle SBP, अब देखिए triangle BSP को अगर हम consider करें तो this angle is x degree, this is 45 degree. With the help of these two angles, we can find the value of angle P. And angle P and angle R are the opposite angle of
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स दीज विल बी सप्लीमेंट्री. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एंगल बी. चलिए फॉलो करते हैं वही स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए एस आर एंगल ए प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री. एंगल ए इज 2x, एंगल एस इज 45 डिग्री. एंगल आर वी हैव टू फाइंड मीन्स एंगल आर इज 180 माइनस 45 माइनस 2x. दिस इज 135 माइनस 2x. यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं कि एंगल एस को हमने 45 कैसे लिखा है. एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज 180 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल बी एस पी एंगल बी प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी इज एक्स, एंगल एस इज 45 एंड एंगल पी वी हैव टू फाइंड. एंगल पी इज 180 माइनस 45 माइनस एक्स मीन्स दिस इज 135 माइनस एक्स. सिंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफोर एंगल पी प्लस एंगल आर आर सप्लीमेंट्री. एंगल पी इज 135 माइनस एक्स एंड एंगल आर इज 135 माइनस 2x. x इज इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स एंगल ए इज 2x दैट इज 60 डिग्री एंड एंगल बी इज x डिग्री मीन्स दैट इज 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 14. In the following figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AD is parallel to BC. Okay. If the bisector of angle A meets BC at E, this line is the bisector of angle A. And the given circle at point F, prove that EF is equal to FC. We have to prove EF is equal to FC. Means हमें प्रूव करना होगा कि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है. इस एंगल को अगर हम इसके इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम प्रूव हो जाएगा. चलिए अब कैसे प्रूव करें. सपोज एंगल ए इज एक्स, देन सिंस ए इज द बाइसेक्टर दिस एंगल विल बी एक्स बाय टू एंड दिस इज ऑल्सो एक्स बाय टू. ए डी इज पैरेलल टू बी सी and AE is transverse means this angle which is x by 2 will be equal to this angle x by 2. अगर ये angle x by 2 है तो ये वाला angle भी x by 2 होगा, alternate angle. And if it is x by 2 then this angle is also x by 2, vertically opposite angle. Okay. अब हमें केवल इस एंगल को कैलकुलेट करना है. अगर हम इसको भी x by 2 प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. C एक कॉमन पॉइंट है. अगर आप क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को देख रहे हैं तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है. और अगर हम ए एफ सी डी को देखें तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. अब देखिए अगर हम पहले ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए का सप्लीमेंट्री होगा. और अगर ये एक्स हमने लेट किया है तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है दिस एंगल विल बी 180 माइनस एक्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए डी सी एफ. अगर हमको देखें तो इसमें जो ये एंगल ए है इसका सप्लीमेंट्री होगा ये वाला एंगल जो मैंने ब्राउन कलर से शो किया है. एंड दिस इज एक्स बाय टू मींस ब्राउन कलर का एंगल होगा 180 माइनस एक्स बाय टू.
और अब देखिए ये जो ब्लैक वाला ब्लैक कलर से मार्क एंगल है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन. मतलब मैं ब्राउन कलर वाले एंगल्स में से अगर ग्रीन वाला एंगल माइनस कर दूंगी तो मुझे ये एंगल ब्लैक वाला एंगल ई सी एफ की वैल्यू मिल जाएगी. देखिए क्या ये एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ब्राउन वाले में से मुझे माइनस करना है ग्रीन वाला. एक्स माइनस एक्स बाई टू मीन्स सॉल्व हो गया. अब अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, मींस फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, ई एफ इज इक्वल टू एफ सी. चलिए पहले इसको शो करते हैं. लेट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एक्स, देन एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एक्स बाय टू. नाउ अल्टरनेट एंगल्स को शो कर रहे हैं. सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देन एंगल डी ए ई विल बी इक्वल टू एंगल ए ई बी एंड दैट इज एक्स बाय टू. नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सी ई एफ विल बी इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एक्स बाय टू. दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड बोथ आर इक्वल एक्स बाय टू. तो फर्स्ट एंगल ये तो हमने एक्स बाय टू दिखा दिया. अब सेकेंड वाले के लिए हम दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वन बाय वन कंसिडर करेंगे. फर्स्ट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफोर एंगल ए होल एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी सी बी विल बी 180 डिग्री मीन्स एंगल डी सी बी विल बी 180 माइनस एंगल बी ए डी एंड एंगल बी ए डी हमने लेट किया है एक्स. This is first relation. Now, since ADCF is a cyclic quadrilateral, then angle DAE plus angle DCF will be 180 degree. Angle DCF will be 180 minus angle DAE and angle DAE is x by 2. Now angle DCF is equal to angle BCF plus angle DCB. Values put kar rahe hain, angle DCF 180 minus x by 2. एंगल बी सी एफ हमें कैलकुलेट करना है एंड एंगल डी सी बी इज 180 माइनस एक्स. मीन्स एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एक्स बाय टू. एंड नाउ इन ट्राइंगल ई एफ सी एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एक्स बाय टू. देयरफोर ई एफ इज इक्वल टू एफ सी. फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया. नाउ कम टू द पार्ट सेकेंड. इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव बी एफ इज इक्वल टू डी एफ. बी एफ इन दोनों साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है. अब देखिए इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे.
हम बी और डी को मीट करवाएंगे। अब देखिए इन दोनों इक्वल साइड्स को प्रूव करने के लिए अगर हम इनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे। बी एफ का अपोजिट एंगल ये और डी एफ का अपोजिट एंगल है ये, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल कब सबटेंड हुआ है, इसका आर्क है ये बी एफ, इस आर्क को जब सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल डी सबटेंड हुआ है। इस आर्क को क्या कहीं और भी मीट करवाया गया है बी एफ को? एक बार तो देखिए ये मीट करवाया गया है एट डी, अब और कहीं पर भी देखिए क्या इस आर्क को मूव करवाया गया, ये जा रहा है एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये, मींस ए पर भी मीट करवाया गया है। देन बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल, अगर ये एक्स बाय टू है तो ये भी एक्स बाय टू होगा। अब देखिए ये एंगल कैसे सबटेंड हुआ है, इस एंगल का आर्क है ये डी एफ, इस एंगल को जब मीट करवाया गया सर्कमफेरेंस पे तो ये एंगल बी बना है। क्या इसको भी देखिए इन दोनों कॉर्नर से कहीं और मीट करवाया गया है, ये देखिए एक तो ये जा रही है लाइन और इससे ये जा रही है तो ये मीट करवाया गया है, मींस बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, अगर ये एक्स बाय टू है तो ये भी एक्स बाय टू होगा, एंड बोथ द एंगल्स आर इक्वल मीन्स देयर अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, बी एफ इज इक्वल टू डी एफ। चलिए शो करते हैं, मीट बी डी। नाउ फर्स्ट आर्क बी एफ, एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एक्स बाय टू, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट बी एफ। नाउ सेकेंड एंगल डी बी एफ इज इक्वल टू एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू एक्स बाय टू, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट डी एफ। फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी बी एफ, देयरफोर बी एफ विल बी इक्वल टू डी एफ।